आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। अंकिता हत्याकांड की सीबीआई जांच और पुलिस की हीला हवाली के खिलाफ प्रदेश कांग्रेस का प्रदर्शन लगातार जारी है। आज इस क्रम में उत्तराखंड कांग्रेस अध्यक्ष करण महरा की अगुवाई में कांग्रेसी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने देहरादून के गांधी पार्क के बाहर मौन रखकर धरना दिया। इस दौरान कांग्रेसी नेताओं ने अंकिता हत्याकांड की सीबीआई जांच की मांग उठाई। इस मौके पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा ने कहा कि आरोपी का पिता जो कि बीजेपी का नेता है, सरकार उसे बचाने की कोशिशों में जुटी है। घटना के चार दिन बाद भी पुलिस ने बीजेपी नेता को गिरफ्तार कर पूछताछ नहीं की और अब आरोपी का पिता घर से फरार हो गया है। करण मेहरा का ये आरोप भी है कि जानबूझकर सबूत मिटाने के लिए आरोपी के रिजॉर्ट में आग लगा दी गई। भाई सीबीआई की जांच की मांग इसीलिए करे कि इसमें हाई प्रोफाइल व्यक्ति किसी को बचाने की कोशिश हो रही, जिस जल्दीबाजी से डोजर चलाया गया, जिस जैसे वहां आगजनी की गई, सबूत मिटाने की कोशिश भी, और पुलिस के सबसे बड़े अधिकारी और उसके लड़की के पिता की कन्वर्सेशन जो टेलीफोनिक कन्वर्सेशन थी उसको किस नियत से टेप किया गया और किस तरीके से उसको सार्वजनिक किया गया, ये भी जांच का विषय होना चाहिए, ये भी एक पहलू है देखने का। और दूसरा, अगर हाई प्रोफाइल केस नहीं होता तो जिसके नाम पर रिजॉर्ट है, जिसको जमीन किसी और उद्देश्य से दी गई, जिसने वहाँ इलीगल ढंग से रिजॉर्ट चला, वो गिरफ्तार क्यों नहीं है? वो लड़के का जो प्रूफ फादर है, जो खुद एक नेता है, बीजेपी का नेता है, वो कल अपने घर में ताला लगा के गायब हो गया, आखिर 5 दिन तक उसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई, उससे जांच क्यों नहीं कराई गई, उससे पूछताछ क्यों नहीं हुई, ये हमारे चिंता के विषय हैं। और जिस तरीके से सबूत नष्ट किए गए, रेणु बिस्ट कुछ और कहती है, जिलाधिकारी पहले कहते हमको कोई आदेश नहीं है, कल कहते कि नहीं हमने ही जो है तुड़वाया है, मुख्यमंत्री कहते हैं मैंने तुड़वा दिया, दूसरा कहता है नहीं तुड़वाया, आखिर हो क्या रहा है? अंकिता के बिस्तर को स्विमिंग पूल तक कौन ले गया? किसने अंकिता के कमरे को तोड़ा? किसने उस पूरे होटल में आग लगाने का काम किया ताकि सबूत जल जाए? ये सारे जांच के विषय, इन सबके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और आरएसएस के कार्यकर्ता जिस तरीके से भद्दी टिप्पणियां सोशल मीडिया में कर रहे हैं, ये भी एक जांच का विषय है। जानबूझ के कहीं उस परिवार को बदनाम करने की कोशिश तो नहीं है ताकि पब्लिक उनके फेवर में खड़ी ना हो, ये भी हमारे लिए एक चिंता का विषय है। धरने में पूर्व सीएम हरीश रावत, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्या, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोडदियाल समेत कांग्रेस के कई बड़े नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। ब्यूरो रिपोर्ट, जय भारत टीवी।